हे कुमार, बैचलर पार्टी में तो धमाल कर देंगे। या भाई, मजा आएगा ना? या भाई, बोलते बोले भाई, क्या मस्त है, बिल्कुल एक नंबर। बता बता, हाँ दिखाओ। अरे भाई, अरे मस्त है, अरे बढ़िया यार। क्या ये सब क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बस है, ये बार है, हम लोग सोए नहीं क्या? आई विल कॉल द पुलिस। चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जा, एक तो उम्र हो चुकी है, इस उम्र में हड्डी टूटेगी तो छोड़ेगी भी नहीं, चल बैठ। अरे भाई, मेरा बच्चा रो रहा है, थोड़ा शोर कम करो ना। दूध पिला दे, सो जाएगा। आप लोग थोड़ी शांति रखेंगे तो दूध पी के सो जाएगा ही। ये बियर पिला दे, सुबह तक शांत रहेगा। ऐसी बात कर रहे हो भाई, बच्चे को बियर पिला दे। अरे रहने दो यार, बेटा क्या कर रहे हो? हो जा बच्चा। बता दो, कल इस कार को कौन चला रहा था? पधारो महापुरुष, यहाँ इतना हंगामा चल रहा है और तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? अंदर क्या कर रहे थे? धर्माधिकारी का बहुत घमंड है तुम्हें। मुझे माफ कर दो, वो कार मैं चला रहा था। जी हाँ, कल रात ये कार मैं ही चला रहा था। नरसिम्हा, सॉरी सर, आपको बिना बताए ये कार लेकर मैं बाहर चला गया था। बड़ी चर्बी है तुझमें। जान है और उस जान का खून बहाया है तूने, नहीं छोड़ूंगा। छोटे के शरीर से जितना खून बहा है उसका दुगना तुझ में से बहेगा। मारो इसको। मेहरबानी करके इसे छोड़ दो। शरीर में सिर्फ तेरी सांसें बची हैं। हॉस्पिटल में अगर छोटे को कुछ हुआ ना तो तू भी नहीं बचेगा, तेरा सिर काट दूंगा। ए, चलो। पुलिस स्टेशन। क्या गलती की है मैंने? जिसका तूने एक्सीडेंट किया वो गणपत का भाई है, याद आया? अब वो मर चुका है। उसे तो होश आ गया था, वो मर कैसे गया? कैसे भी मरा, लेकिन मारने का पाप तो तूने ही किया ना। मीडिया के सामने लेक्चर देकर मुझे पुजारी से माफी मंगवाई, सबके सामने मेरी प्रेस्टीज की धज्जियां उड़ा दी। अब तुझे दिखाऊंगा पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडे मेरे बच्चे को ले जा रहे हैं। गाड़ी रोकिए सर। वो बंद करो, चुपचाप बैठ के सर। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। चुप। भाई, उसके बेटे को लेकर आए भाई। दो टुकड़े कर दूंगा इसके, उछाल दे उसे। भाई,
बेटा उसे मारकर बच्चे को लेकर आओ। तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मैं इन गधों के साथ खेलता हूँ। मार दो उसे। मैं इन गधों को थोड़ा सा घास चरवा कर अभी आता हूँ बेटा। आता है, मुझे गिरना भी आता है, उठना भी आता है और उठा देना भी आता है। ए, तुझसे सिर्फ यहाँ के लोग डरते हैं, लेकिन मैं पूरे राष्ट्र की जान हूँ। मेरे सामने भाईगिरी दिखा रहा है। तेरा लेवल इस तलवार की साइज का है, मेरा लेवल तलवार की धार जैसा है। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैं शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूँ। मुझे टच कर, नो डेंजर, लेकिन मेरे बच्चे को टच किया तो नो फ्यूचर। काट के फेंक दूंगा तेरी माँ, चीर के रख दूंगा। एएसपी के बेटे को बचाने के लिए मेरे आदमियों को मारकर मुझे हॉस्पिटल में लेटा दिया नरसिम्हा ने। हम सब के लिए यहाँ सिर्फ आप ही भगवान है भाई। आप हुक्म कीजिए, उसके हम टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। कौन है ये नरसिम्हा? मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे कौन मारेगा? एक एक करके मारोगे या सब मिलके मारोगे? जल्दी से डिसाइड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ किस लिए आया है तू? एएसपी के बेटे को क्यों मारना चाहता है तू? ताकि मेरी तकलीफ उसे पता चले। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बदले CO2 सप्लाई करके मेरे जान से भी प्यारे भाई को उसने मारा। कौन है तेरा भाई बे?
वो महाभारत का दुर्योधन है या रामायण का रावण है? उसने लड़कियों की इज्जत लूटी है और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। ऐसे घटिया इंसान का एसपी ने एनकाउंटर करके सही किया है। अगर मैं होता ना तो बीच रास्ते में ही चीर डालता। मेरा भाई मेरी जान था। गांधी को मारने वाला गोडसे भी अपने माँ बाप का चहेता था। इसका मतलब ये नहीं कि पापी महात्मा बन जाएगा। अब ये सब बात छोड़ और अपनी खैर मना और अपने चमचों को भी संभाल, वरना लाशें बिक जाएंगी यहाँ। तू ये मत भूलना, जब तक मैं एसपी की फैमिली को खत्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अभी तेरे शरीर में तेरे प्राण बाकी है। एएसपी की फैमिली को कुछ हुआ तो तेरे प्राण ले लूंगा और तुझे जहन्नुम की आग में झोंक दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। मुझे एमपी बनना है। उसका फैसला जनता करेगी। इससे पहले पार्टी टिकट चाहिए ना। सब कुछ पार्टी में छोड़, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? धरना देना तो जैसे फैशन हो गया है। क्या प्रॉब्लम है वहाँ जाकर धरना दे? कार किराए के गुंडों को लाकर रोड पे हंगामा कर रहा है। सड़क क्या तेरे बाप की जागीर है या ससुराल से मिला हुआ दहेज है? काम होना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा। ये मेरी जरूरत है। सबकी अपनी अपनी जरूरत है। यहाँ सब तेरी नौटंकी देखने या तेरी जुमलेबाजी सुनने नहीं आए। एक माँ और बेटे की जान चली गई है, वापस लौटा सकता है? स्टूडेंट्स के एग्जाम मिस हो रहे हैं, उन्हें भविष्य दे सकता है? लोग अपनी नौकरी पर नहीं जा पा रहे, तू जाकर उनका काम करेगा? मेहनत मजदूरी करने वाले, ऑटो ड्राइवर, कुली, ऐसे हजारों लोग हैं, उन सबको खाना दे सकता है तू? वो दे सकता है? प्रॉब्लम से मुझे क्या, मुझे अपनी सीट चाहिए, समझा? कुर्सी पर बैठने वाले को प्रॉब्लम्स क्लियर करना चाहिए, क्रिएट नहीं करना चाहिए। तू कुर्सी पर बैठने लायक तो क्या, कुर्सी को छूने लायक भी नहीं। सीट मिलते ही जीत जाऊंगा तो पहले तुझे देखूंगा। गलत, इन गीदड़ भमकियों से मुझे डरा नहीं सकता। क्या करेगा तू? जितनी बार मुझे धमकियां देगा उतनी बार तेरी बैंड बजाऊंगा। पापा, यहाँ कोई मुझे परेशान कर रहा है, अपना पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। सुनो, तुम कैसे भी करके निकलो वहाँ से। तुम्हारा एमपी टिकट कंफर्म हो चुका है बेटा। तुम निकलो वहाँ से। पार्टी ऑफिस में जाकर फॉर्म लेकर सीधे कलेक्टर ऑफिस में चला जाऊंगा। आज आखिरी दिन है, नॉमिनेशन का एक घंटा बचा है, जल्द से जल्द आ जाओ। ओके पापा, मुझे पार्टी से टिकट मिल चुकी है। शादी करा रहे थे, ये हमारी गलती थी। हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमने उसको जीते जी मार दिया। देखो बेटा, देखो इसे, जिंदा लाश बन चुकी है ये। इसका नसीब कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। बेटी ने किया ये सब भैया। नरसिम्हा के आशीर्वाद से तेरी शादी हो रही है ना? तेरे गले में मंगलसूत्र पड़ने से पहले तेरा गला ही काटे। छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, हमें छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। पूरे मंडप पे आग लगा दो। Thank you.
वजह से मेरा बेटा मरा, उसकी आत्मा को तेरी मौत देकर खुशी होगी। मुझे मारना तेरे बस का काम नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। किसे मारना किसे बचाना ये उसकी मर्जी है। तेरे माथे में जो लकीर है ना, वो बता रही है कि तेरा टाइम खत्म हो चुका है। उसने मुझे ऑर्डर दे दिया है कि मैं तेरे बाप के साम्राज्य को खत्म कर दूं। मार के बदले मार, चोट के बदले चोट, मौत के बदले मौत। मौत क्या होती है मैं बता रहा की गोली नहीं, एक माचिस के तीले डिसाइड करेगी। मौत के खौफ से निकलने वाली तेरी चीखें सुनकर वो मरे हुए लोग भी उठकर नाचने लगेंगे। ये ले, बरसा ले। कांस्टेबल जी, क्या हाल चाल है? गणपत भाई के आदमियों ने मुझ पर हमला करके एसीपी साहब को और मैडम को और उनके बच्चे को उठा कर ले गए। जाते जाते वो गणपत, तू नरसिम्हा का आदमी है ना, उसे फोन करके कह दे अगर वो आधे घंटे के अंदर डॉग्स पर नहीं आया तो उस एएसपी की फैमिली को वो मरते हुए देखेगा। देख, पहले तेरी बीवी, उसके बाद तेरे बेटे को, सबको खत्म करके यही समाधि बनाऊंगा, सबको चीर के रख दूंगा। तुझे एक बात पता है क्या, तेरी बीवी को मैं नहीं मारने वाला, तेरी फैमिली को टच किया तो चीर दूंगा, कहा था ना नरसिम्हा ने, अब वही नरसिम्हा इसे मारेगा। सोचकर खुश हो रही है? खुशी नहीं, दुख हो रहा है, क्योंकि मैं एक नामर्द के हाथों मरने वाली हूँ, समझे? तो तेरे पति के सामने तुझे मारने वाला था, अब प्लान चेंज, अब तेरे ही सामने तेरे पति और बच्चे को मारूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मैं मर्द हूँ या नामर्द। ले जाओ बांधो। दूसरी बार मेरी जान बचाई है।
मारने के लिए शेर का कलेजा चाहिए और नरसिम्हा को मारने के लिए 100 शेर का जिगरा। मेरा टाइम अच्छा है रे, तेरी मौत कंफर्म। इधरों के भोकने से शेर नहीं मरते, समझा? But not the god!